जय श्री श्याम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं सीएमए फाउंडेशन का जो कैलकुलस वाला जो पार्ट है उसके अंदर डेरिवेटिव में कौन कौन से फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने बच्चों, और कौन कौन से जो रूल्स हैं इसके अंदर आपने विशेष ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं रूल्स से। क्या क्या रूल्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे वो आपने एक एक करके डिटेल में देखना है। चलो जी, सबसे पहला मैं अगर रूल्स की बात करूं तो सबसे पहला रूल है बच्चों आपका एडिशन रूल। ठीक है, क्या है सर ये ध्यान रख लो बच्चों, अगर u प्लस वी का हमें डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे, तो u का डेरिवेटिव अलग प्लस v का डेरिवेटिव अलग, इस तरीके से आपने अलग अलग करना है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन रूल। क्या है सर ये सब्ट्रैक्शन रूल बच्चों, अगर u माइनस वी का डेरिवेटिव है तो u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव अलग अलग। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो बड़ा सिंपल। सर थर्ड क्या है, थर्ड है मेरे बच्चों मल्टीप्लीकेशन रूल। क्या है बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन रूल, सर अब अगर u और v, ठीक है यहां बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है बच्चों, u का डेरिवेटिव v को आपने साइलेंट रखना है, मतलब v जैसा रहेगा एज इट इज यहां पे रहेगा, प्लस v का डेरिवेटिव और u को क्या रखना है, अब साइलेंट रखना है, u एज इट इज रखना है। ठीक है बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, u v का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है तो पहले u का डेरिवेटिव v को साइलेंट, फिर प्लस v का डेरिवेटिव u को साइलेंट, यह है हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। अब बच्चों हम बात करेंगे इसमें डिवीजन रूल की, ठीक है इसे हम कोशेंट रूल भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अब u डिवाइड बाई v इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो सिंपल है, कुछ नहीं है, u का डेरिवेटिव v को रखना है साइलेंट, ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद करना है माइनस v का डेरिवेटिव u को साइलेंट रखना है और इस पूरे को डिवाइड कर देना है अपने v के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये रूल्स आप लोगों को याद अगर रहते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। सिर्फ आप चाहिए क्या, अब चाहिए आपको फॉर्मूले की। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे जनरल फॉर्मूले हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं, ठीक है तो देखते हैं। अब बच्चों हम जानने वाले हैं फॉर्मूले की, क्या क्या है सर, सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा, ध्यान रखना हमेशा, क्या अगर x है सिर्फ उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे बच्चों यहां पे 3x है, इसका डेरिवेटिव बोला है तो ये जो कोफिशियंट है इसको एज इट इज लिखना है, अब बचा है क्या, सिर्फ x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आपका थ्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा, x की पावर अगर n है, ठीक है और इसका आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों, जो ये n है पावर में ये पहले आ जाएगा और x की पावर n माइनस वन हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, जैसे देखो x की पावर 5 है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो ये 5 क्या आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा और ये x की पावर n माइनस वन दैट इज 5 माइनस वन तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, तीसरा क्या है बच्चों, बड़ा सिंपल सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, तीसरा है कोई भी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो बच्चों वो क्या आएगा, 0। जैसे मान लो सिर्फ 3 है, ये कांस्टेंट है, ये इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आगे, चौथा फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर अगर x है, ठीक है एक्सपोनेंट, तो यहां पे इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं आएगा मेरे बच्चों, है कि नहीं, बड़ा सिंपल। पांचवा क्या है, पांचवा अगर बच्चों हम बात करें log x की,
तो log x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो इसका होगा 1 अपॉन x, और आखिरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रूट x का। अगर रूट x का डेरिवेटिव करते हैं तो इसका हो जाएगा बच्चों हमारा 1 अपॉन 2 रूट x। बस इतना ही पोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सीएमए फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूं तो कैलकुलस का जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों, अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।